और भक्ति रस की कथा सुन रहे हैं, जहाँ जाऊंगा मैं एक छोटी सी भक्ति रस की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा शिव महापुराण का लिखित है। परम आदरणीय संतोष जी गौर यहाँ पर पधार रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वे यहाँ मंच पर आए। थोड़ी ढोलक को थोड़ी सी हल्की लीजिएगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं था भाई साहब की नक्सुल्लागंज में 27 तारीख को कार्यक्रम है और हमने भी रख दिया और हमारा पंपलेट पहले निकला, लेकिन हमारे आग्रह पर इस कार्यक्रम को आदरणीय संतोष भैया ने और उनकी पूरी टीम ने आगे बढ़ाया, इसके लिए बधाई के पात्र। अभी ये कार्यक्रम 2 मार्च को नक्सुल्लागंज में है, हम भी आएंगे, पूरी सब्जी खाएंगे और झमाझम आपके प्रोग्राम में प्रस्तुति देंगे। आइए मंच पर पधारिए आदरणीय संतोष भैया। अच्छा
की माता पार्वती देखो 87,000 साल का तप को छोड़ करके और बच्चे की उस बालक की जान बचाने के लिए गई। कहां से कहने लगी तो हाँ उस बालक को छोड़ दो, उसकी जान को छोड़ दो, चाहे तो 87,000 साल का तप ले लो, लेकिन उनकी जान को छोड़ दो। रोटी मृत्यु क्या कहती है नहीं सकती, ये मेरा वादा है। क्या होता है दिया था बिधाता ने मुझे।
एक सखी कहने लगी बहना एक छोटा सा बालक भैया अभी अपना किसी कहीं घूम जाए तो जरा दुख होता है। उस तुझे ना क्या कहने लगी और मेहना छोटे से नन्हे से बालक को क्या गाली देंगे भैया। लेकिन एक सखी कहने लगी और मेहना लाली मैं नहलाली मेरो लड़ना